मैं उमाना सिंह और आप लोग का अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आइए मैं आज आपका प्रश्नावली 3.4 अभी की जो है वो लेकर आया हूँ। इसके पहले 4 भाग डाल चुका हूँ, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज मैं आपका इसका पार्ट 5 लेकर के आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ दोस्तों। ये हमारा पार्ट 5 आप होगा का, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को मेरे आप सब्सक्राइब कर दीजिए तथा साथ में बेल आइकन दीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। चलिए टाइम वेस्ट किए हम आपकी वीडियो शुरू करते हैं। 3.4 एक्सरसाइज जो है NCERT का, तो ये आपका दिया है प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आवयवों के व्युत्क्रम, यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 1 का ए बराबर दिया है 1-1 = 2, 3 दिया है, तो आइए इसका देखिए रूपांतरण करके कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों देख हल दिया है सर, तो दिया गया अभी ए इक्वल टू दिया 1-1 = 2, 3 दिया हुआ है। अभी ए को ए इक्वल टू आई के रूप में लिखने पर, मतलब ए को जो है उसका जो यूनिट्री होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। आई के मतलब 1-1 से जो विकल्प बना है वही आई होता है, तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो 1-1 = 2, 3 इज इक्वल टू 1-0-0-1, ये आपका आई हो गया इंटू ए। या तो इस पर इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि 1-1 = 5 = 1-0-2 × a, ये आपका हो गया। अभी आया कहाँ से, यहाँ देखिए दिया है R2 gives R2 - 2R1। तो दोस्तों इसमें क्या है कि R2 जो होता है मतलब कि दूसरी पंक्ति उसमें से, और R1 जो पहली पंक्ति है 1-1 उसमें 2 से कूड़ा करके घटा देना है। तो ऊपर देखिए 1-1 है, उसमें अगर 2 से करेंगे 2 × 2 और फिर -2 हो जाएगा इधर, और फिर नीचे जो है हमारा R2 है 2, तो 2 में से 2 चला जाएगा, कितना हो गया यहाँ पर 2R1 है, सॉरी 2R2, 2×2 = 4 में से क्या इधर आपका बच गया इस तरह से। तो फिर चलते हैं आगे देखते हैं, फिर तो ये आ गया। अब यहाँ पर 1-1 ये हो जाएगा, और फिर ये 0-1 बच जाएगा यहाँ से, फिर इसमें जो आपका 1-0 और फिर यहाँ -2 और 5 1/5 बचा, ये कैसे आया आपका यहाँ पर देखिए। अब ये R2 गिफ्ट दिया 1/5 R2, मतलब R2 जो दूसरी रोह पंक्ति है उन सभी में 5 से भाग दे देंगे तो ये वाली लाइन आएगी। अब आइए आगे देखते हैं इसको, तो यहाँ दिया है आपका 1-0-0-1। अब यहाँ से क्या है कि R1 गिफ्ट R1 + R2 दोनों जोड़ दीजिए, तो इस तरह से हमें R1 ऊपर का मिल जाएगा। तो अब ये 1 + R1 + R2 है, तो -2/5, तो 1-2/5 करेंगे तो 3/5 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, फिर -2/5 नीचे का आएगी टूट जाएगा। अभी हमारा आपका ए इन्वर्स निकल के आ गया कितना 3/5 1/5 - 2/5 1/5। तो इसमें देख रहे हैं कि सभी है तो ये एग्जिस्ट है, अस्तित्व में होगा, अगर ऊपर सभी 0-0 हो जाता तो अस्तित्व में नहीं होता। अब प्रश्न संख्या 2 भी दिया है ए इक्वल टू 2-1-1-1। अब ये कह रहा है कि प्रश्न 1 की भांति जिसे अभी हल किया आप लोग उसी तरह इसको हल कर लीजिएगा दोस्तों। तो आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, नज़र डालते हैं इस पर। तो 1-3-2-7 दिया है, अब यहाँ दिया है इसका दिया गया अभी ए इक्वल टू 1-3-2-7 है, आप भी ए को आई ए के रूप में लिखने पर, तो 1-3-2-7 इज इक्वल टू 1-0-0-1 इंटू ए कर लीजिए। फिर अब यहाँ हो जाएगा आपका 1-3-0-1 और इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से फिर 1-0-2-1, यहाँ ए हो गया। आया कहाँ से, ये देखिए इधर दिया आपका R2 गिफ्ट, मतलब R2 जो हमारी दूसरी पंक्ति है कहाँ से मिली है, ये R2 - 2R1 करके मिली है। R2 मतलब कि R2 में से 2R1 करना है, तो यहाँ R1 में अगर 2 ऊपर गुणा करके 2 से 2 के 2 और 2 × 3 = 6 हो जाएगा, तो यहाँ 2 में से 2 गया 0 और 7 में से 6 गया 1 बच गया, इस तरह से ही आ गया है। और दूसरा भी उसी तरह से करेंगे तो ये भी उतना आ जाएगा। अब इसमें अगला देखते हैं क्या है, 1-0-0-1 7-3 - 2 1 a। अब यहाँ पर R1 - 3R2 कर दिया गया है, तो ये कर देंगे तो ये इनवर्स हमारा निकल के आ जाएगा कितना 7-3 - 2 1। अब ये प्रश्न 4 देखते हैं, 2-3-5-7 दिया है, ए इक्वल टू आइए लिख लेते हैं 2-3-5-7। अब यहाँ से फिर हो जाएगा बच्चों 1-0-0-1 ये इसका आइडेंटिटी हो गया इंटू ए। अब इसमें चलिए क्या कर लेते हैं देखिए, एक लाने के लिए तो यहाँ पर R2 गिफ्ट हो जाएगा क्या
आर टू माइनस टू आर वन कर दीजिए, तो आर टू में से हम जो है दो आर वन घटा देंगे, दूसरी पहली पंक्ति में दो से गुणा करके दूसरी पंक्ति में से घटा देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा। देखिए वन वन कहाँ से आ जाएगा, पाँच में से दो दो चार गया एक बच गया, फिर सात में से देखिए दो तीन छः चला गया, सात में छः गया एक बच गया, इस तरह से निकल आएगा। उसी तरह से वन टू वन वन ये आपका आ गया, फिर उसका थ्री माइनस वन माइनस टू वन ये लिख लीजिए। अब ये कैसे आया, आर वन गिव्स आर वन माइनस आर टू कर दिया गया है, मतलब पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद कर लिया गया है वन टू जीरो माइनस वन, अब ये कैसे आ गया, ये आर टू इक्वल टू आर टू माइनस आर वन कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ वन टू जीरो वन इज इक्वल टू थ्री माइनस वन फाइव माइनस टू ए आर टू गिव्स आर वन माइनस आर वन, मतलब जो आर टू है वो उसमें माइनस से गुणा कर देंगे तो ये सभी आ जाएंगे इस तरह से। अब आइए ये हो गया वन जीरो जीरो वन इक्वल टू माइनस सेवन थ्री फाइव माइनस टू, अब ये हो गया आर वन गिव्स आर वन माइनस टू आर टू कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू माइनस सेवन थ्री फाइव माइनस टू। अब चलिए क्वेश्चन फाइव देख लेते हैं, टू वन सेवन फोर दिया है, अब आइए इसका आई ए के रूप में लिखेंगे तो टू वन सेवन फोर इज इक्वल टू जीरो वन जीरो जीरो वन इंटू ए। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या है, आर टू गिव्स आर टू माइनस थ्री आर टू आर वन कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका इतना। फिर वन जीरो वन वन, अब यहाँ से फिर इक्वल टू हो जाएगा फोर माइनस वन माइनस थ्री वन। अब इसके बाद आ जाएगा आपका ये कैसे आया है, आर वन गिव्स आर वन माइनस आर टू, तो अब आइए वन जीरो वन वन अब फोर माइनस वन माइनस सेवन टू ये आ गया, ये कैसे आया, ये आर टू गिव्स मतलब आर टू माइनस आर वन, आर टू में से दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ से ए इनवर्स जो है आपका फोर माइनस वन सेवन माइनस सेवन टू हो गया। अब आइए क्वेश्चन सिक्स देखते हैं क्या है, टू फाइव वन थ्री दिया है, ए इक्वल टू आई ए के रूप में लिख दीजिए, उसी तरह से करना बच्चों। अब इसमें भी आर वन माइनस आर टू कर देंगे तो ये लाइन मिल जाएगी हमारी। अब फिर यहाँ पर हमारा जो है आर टू गिव्स हो जाएगा आर टू माइनस आर वन करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब फिर इसके बाद आर वन इक्वल टू हो जाएगा आर वन माइनस टू आर टू, आर वन में से पहली पंक्ति में से और दूसरी पंक्ति में दो से गुणा करके घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो ए इनवर्स हमारा निकल के आ गया थ्री माइनस फाइव वन माइनस वन टू आ गया। अब सेवन भी उसी तरह से है, थ्री वन और फाइव टू दिया है तो इसको भी आइए के रूप में लिख लेते हैं, थ्री वन फाइव टू वन जीरो जीरो वन इंटू ए। अब यहाँ पर देखिए आर टू माइनस आर वन कर लेते हैं यहाँ से, मतलब दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा लेंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर। अब यहाँ देखिए पाँच में से तीन गया दो बचेगा, दो में से एक गया एक बच गया इधर से। अब यहाँ पर फिर उधर ही काम कर लेंगे, जीरो में से एक गया तो माइनस एक बचेगा, फिर यहाँ एक में से जीरो जाएगा तो आपका एक ही बचेगा तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। अब इस तरह से फिर आगे देखते हैं, आ गया आर वन गिव्स आर वन माइनस आर टू करेंगे ये आ जाएगा आंसर। फिर अगला स्टेप में आर टू इक्वल टू हो जाएगा आर टू में से टू आर वन घटा दीजिए तो ये आपका आंसर आ गया। इनवर्स निकाल लेंगे आपका टू माइनस वन माइनस फाइव थ्री आ गया। प्रश्न आठ क्या है इसमें देख लेते हैं, फाइव फोर फाइव थ्री फोर दिया हुआ है, अब इसको ए इक्वल टू आई ए के रूप में लिख लेते हैं, फोर फाइव थ्री फोर और उसके बाद ये वन जीरो जीरो वन ए। अब इसके बाद हो गया बच्चों वो, अब इसमें कैसे है, आर वन गिव्स आर वन माइनस आर टू कर दीजिए, आर वन में से आर टू घटा देना है तो मतलब चार में से तीन गया एक बच गया, फिर पाँच में से चार गया एक बच गया, ऊपर का हो गया वन वन, अब ये थ्री फोर नीचे आइए लिख दीजिए, फिर उसी तरह से इधर भी घटा लेंगे आ जाएगा। अब यहाँ से फिर कह रहा कि आर टू गिव्स आर टू माइनस थ्री आर वन, मतलब कि आर टू में से आर वन में तीन से गुणा करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा नीचे वाला आ जाएगा। फिर इसी तरह से अगला दिया है आर वन गिव्स आर वन माइनस आर टू कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अभी ए इनवर्स कितना आ गया देखिए बच्चों, तो कोशिश हमें करने होती है बच्चों कि इधर जो आपका ए था उसको हमें आई के रूप में बदलना है, मतलब वन वन के रूप में लाने के लिए जो भी प्रोसेस करना है सब करते जाइए और जो दूसरा साइड है वही आपका आंसर फिर बन के हो जाएगा, चेंज करने लेते हैं तो इनवर्स हो गया फोर माइनस फाइव माइनस थ्री फोर। अब नाइन क्या है इसमें, थ्री टेन है टू सेवन है, तो आइए इसको भी उसी तरह से कर लेते हैं, थ्री टेन टू सेवन यहाँ वन जीरो जीरो वन, अब इसको आपस में चेंज करना है तो अब यहाँ पर हो जाएगा बच्चों वन थ्री टू सेवन, अब ये आर वन माइनस आर टू कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब फिर इसके बाद है वन थ्री जीरो वन हो गया, अब वन माइनस वन माइनस टू थ्री, अभी आर टू गिव्स हो जाएगा आर टू माइनस टू आर वन कर देंगे, फिर उसके बाद है आपका ए आर वन गिव्स आर वन माइनस थ्री आर टू कर देंगे तो ये आ जाएगा। ए इनवर्स सबका यहाँ देखिए वन जीरो जीरो वन हो गया,
और ये हथियार कितना हो गया, 7 - 10 - 2 - 3, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 3 - 1 - 4 - 2। अब इसके बाद मान लेते हैं लेट 3 - 1 - 4 - 2, ये हो गया ए इक्वल टू गया आई टू, ये कर लेते हैं तो आई टू ये कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया आपका 3 - 1 और -4 - 2। अब इधर 101 * 2 ये हो गया, अप्लाइंग R1 gives R2, मतलब R1 की जगह पे हम R2 रख देते हैं तो आपस में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना आपका -4 - 2 और 3 - 1, आपस में चेंज कर लिए सारी, और नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर लेते हैं, तो अब हमारे इधर हो जाएगा अप्लाइंग R1 gives -1 R1, मतलब पहली पंक्ति में -1 से गुणा कर लेंगे तो ये -4 हो जाएगा, -2 जो था -2 हो जाएगा इधर से, और फिर अप्लाइंग R1 gives R1 - R2 कर लेते हैं, ये 1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0 हो जाएगा इंटू ये अप्लाइंग R2 gives R2 - 3 R1। अब R2 में से 3 R1 घटा देना, पहली पंक्ति में 3 से गुणा करके दूसरी पंक्ति से घटा दीजिए, तो ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 - 1 - 0 - 2, अभी हो गया आपका -1 - 1 - 4 - 3। अब अप्लाइंग R2 gives 1/2 R2, मतलब दूसरी पंक्ति में हम 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 1 - 1 - 0 - 1 हो गया, अब ये -1 - 1 - 2 - 3/2 हो गया। अप्लाइंग R1 gives R1 + R2 कर लेते हैं, चलिए तो यहाँ से हो जाएगा 1 - 0 - 0 - 1। अब नीचे देखिए आपका डायगोनली आपका आई बन गया है, अभी इधर जो आप बनेगा वही आंसर हो जाएगा 1 - 1/2 - 2 - 3/2। अब इस तरह से ए इनवर्स मारा आ गया, ए 1 - 1/2 और 2 - 3/2 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 2 - 6 - 1 - 2, अब इसको चलिए आई ए के रूप में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 - 6 - 1 - 2 और 1 - 0 - 0 - 1 इंटू ये 1 - 4 - 1 - 2 इक्वल टू 1 - 1 - 0 - 1 और R1 gives R1 - R2 से कट लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1 - 4 - 0 - 2 और 1 - 1 - 1 - 2 ए। अब R2 हो जाएगा R2 - R1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 - 0 - 0 - 2 और -1 - 3 और -1 - 2 हो गया। अब यहाँ से R1 कैसे प्राप्त हो रहा है, R1 + 2 R2 कर दीजिए, R1 में दूसरी पंक्ति में 2 से गुणा करके जोड़ देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 1 - 0 - 0 - 1 हो गया यहाँ पर। अब और ये हो जाएगा -1 - 3 - 1 - 2 - 1। अब यहाँ R1 gives हो जाएगा 1/2 R1, मतलब कि R1 जो था उसमें 2 से भाग दे दिया गया सब में, तो ये सॉरी R1 gives 1/2 R1 ठीक। अब इसके बाद ए इनवर्स हो जाएगा हमारा -1 - 3 - 1 - 2/2 - 1, और 12 क्वेश्चन है, ए इक्वल टू 6 - 3 - 2 - 1 है, तो उसी तरह से इसको भी लिख लेते हैं कि ए इक्वल टू आइए ये 6 - 3 - 2 - 1 हो गया 1 - 0 - 0 - 1 ए। अब यहाँ से R1 + 3 R2 कर लेते हैं, तो ये ऊपर आपका हो जाएगा कितना 0 - 0 - 2 - 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 - 3 - 0 - 1। अब चूंकि पहली पंक्ति दोनों अवयव शून्य हैं, पहली पंक्ति में देख रहे हैं ना ऊपर दोनों शून्य हो गया, तो इसलिए ए का व्युत्क्रम इनवर्स अस्तित्व में नहीं है, अगर ऐसा करने पर 0 - 0 ऊपर हो गया, एक साइड में कहीं भी 0 - 0 हो जाएगा बच्चों तो वो एक्जिस्टेंट नहीं होगा, एक्जिस्टेंस में नहीं होगा, तो उसको हम छोड़ देंगे, आगे हम नहीं करेंगे। अब चलिए अगला देखते हैं 13 क्वेश्चन, 2 - 3 - 1 - 2 है, तो आई ए के रूप में लिख लेते हैं इसको 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 0 - 0 - 1 ए हो गया, 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 इधर हो जाएगा, इधर से आपका 0 - 1। अब ये कैसे आया, R1 gives R1 + R2, तो R1 की जगह हमने पहली पंक्ति कैसे बनी है, R1 R2 जोड़ करके पहली पंक्ति हमारी बन गई है। अब दिया है नेक्स्ट है R2 gives R2 + R1 कर लीजिए, तो ये आपका 1 - 1 - 0 - 1 हो जाएगा, इधर 1 - 1 - 1 - 2 हो जाएगा, इधर 1 - 0 - 0 - 1 ये कैसे आया, R1 gives R1 + R2 कर लिए, ये आ गया। अब ये आपका देखिए ये 1 - 1 हो चुका है यहाँ, तो ये इनवर्स आपका यही हो गया 2 - 3 - 1 - 2। 14 क्वेश्चन करा है कि 2 - 1 - 4 - 2, उसी तरह से इसको भी लिख लेते हैं 2 - 1 - 4 - 2 को आई ए के रूप में, तो ये लिख लिया। अब यहाँ से R2 gives 2 R1 कर दीजिए, अब इसमें देख रहे हैं कि 2 - 1 नीचे 0 - 0 फिर आ गया इस क्वेश्चन में भी, मतलब ये भी एग्जिस्ट नहीं है, तो एज 0 अपियर इन द सेकेंड रॉ ऑफ द मैट्रिक्स LHS देयर फॉर द गिवन मैट्रिक्स ए हैज नो इनवर्स, इसका कोई इनवर्स नहीं हुआ, अगर एक साथ किसी जगह भी 0 हो जाएगा तो इनवर्स में नहीं होगा बच्चों, तो वहीं पर काम उसको छोड़ देना है आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है हमारा 15,
टू माइनस थ्री थ्री, टू थ्री थ्री, थ्री माइनस टू टू दिया है, दिया गया अभी एक इतना दिया है। अब ए को आई ए के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका। तो फिर इसके बाद अब यहाँ से देखिए किस तरह से हम जो आपका एल एच एस वन वन कैसे होगा। तो चलिए सी टू गिव्स सी टू प्लस सी थ्री, सी मतलब कालम। अब दूसरा जो कालम है पंक्ति एक खड़ी खड़ी लाइन, अब वो कह रहा है कि दूसरा और तीसरा कालम जोड़ के मिलेगा हमारा दूसरा कालम। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह टू जीरो थ्री, टू फाइव थ्री, थ्री जीरो टू हो गया। अब देखिए दूसरा कालम जो है आपका ऐसे मिल गया है, दूसरा कालम और तीसरा कालम जोड़ करके, मतलब तीन में तीन जोड़े, देखिए माइनस तीन तीन जीरो हो जाएगा, यहाँ तीन दो पाँच हो जाएगा, यहाँ से दो से दो करके जीरो हो गया इस तरह से। अब अगला स्टेप दिया है सी वन की, तो सी थ्री माइनस सी वन, अब मतलब तीसरे कालम में से पहला कालम घटा देंगे तो आपका ये पहला कालम यहाँ से निकल गया इस तरह से। तो ये अभी फिर दिया सी थ्री किप्स सी थ्री माइनस थ्री सी वन कर दीजिए, तो इस तरह से करेंगे तो ये वन जीरो जीरो, वन फाइव जीरो माइनस वन जीरो फाइव हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों करना है सी वन किप्स सी वन माइनस वन बाई फाइव सी टू। अब सी टू में जो दूसरी आपकी पंक्ति है सॉरी कॉलम है उसमें पाँच से भाग करके पहले में से घटा लीजिए, तो पाँच से भाग देखेंगे इधर इधर भाग देंगे पाँच है तो पाँच में पाँच से भाग होगा तो वन हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा वन जीरो 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 फाइव जीरो जीरो फाइव फाइव भी हो गया। अब इधर से इसमें भी आपका हो गया माइनस टू बाई फाइव जीरो थ्री, इस तरह से भी हो जाएगा। अब सी वन प्लस वन बाई फाइव सी थ्री कर देंगे, ये निकल जाएगा आपका। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वन बाई सी टू गिव्स हो गया वन बाई फाइव सी टू और सी थ्री गिव्स वन बाई फाइव सी थ्री, ये करेंगे तो इसमें देखिए डायगोनली वन 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 आ गया है, तो मतलब कि आपका इन्वर्स यही आपका हो गया, ये इन्वर्स हो गया माइनस टू बाई फाइव जीरो थ्री बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव वन बाई फाइव जीरो टू बाई फाइव वन बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव। सिक्सटीन क्वेश्चन कह रहा है कि वन थ्री माइनस टू माइनस थ्री जीरो माइनस फाइव टू फाइव जीरो। अब मान लीजिए लेट इक्वल टू वन थ्री इतना है और वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए होता है, तो रख लेते हैं उसी तरह से ए इक्वल टू इतना है वन, इसमें तीन कॉलम है सम है तो तीन वन होगा थ्री वन होगा वन 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 इंटू ए। अब यहाँ से हो जाएगा आपका आर टू गिव्स आर टू प्लस थ्री आर वन, मतलब कि आर टू में तीन आर वन जोड़ लेंगे तो हमारा आर टू मिल जाएगा। अब फिर आर थ्री गिव्स आर थ्री माइनस थ्री टू आर वन कर लेते हैं, तो ये हमारा मिल गया इस तरह से। अब इस तरह से फिर हम देख रहे हैं कि वन थ्री जीरो माइनस टू जीरो वन ट्वेंटी वन जीरो माइनस वन फोर, ये आ गया इधर से, ये आपका वन जीरो जीरो माइनस थर्टीन वन एट माइनस टू जीरो वन ए आपका आ गया। अब आर टू गिव्स आर टू प्लस एट आर वन, देखिए इसमें एट आर वन कर आर थ्री करना है, तो आर थ्री देखिए आपका यहाँ पर है फोर है, अगर फोर में आठ से गुणा करेंगे तो हम कितना हो जाएगा आठ चौका बत्तीस हो गया, और उसको सब जोड़ देंगे आर टू में और ये ट्वेंटी वन तो आपका सिक्सटी फाइव इधर हो गया। तो ये आपका फिर इधर से आ जा रहा है आपका आर थ्री आर टू यहाँ पर है वन इक्कीस और आर थ्री हमारा चौदह आठ चौका बत्तीस और इक्कीस इधर जोड़ेंगे ये आ गया ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस कर रहा है यहाँ पर आर वन गिप्स आर वन माइनस थ्री आर टू करना है, फिर आर थ्री माइनस गिप्स आर थ्री प्लस आर टू कर देना है, तो ये हमारा इस तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि वन जीरो माइनस सिक्सटी फाइव वन ट्वेंटी वन जीरो जीरो वन हो गया, अब इधर से आ गया। अब आर थ्री देख रहे हैं कि इसमें वन बाई ट्वेंटी फाइव आर थ्री, अगर पच्चीस से भाग देते हैं हम तीसरी पंक्ति तीसरी लाइन में तो ये हमारा इस तरह से आ गया, देखिए इसमें पच्चीस था तीसरी लाइन में पच्चीस से भाग देंगे तब ये वन हो जाएगा यहाँ पर, तो ये वन हो गया। अब ये वन वन देखिए यहाँ पर अभी एक वन बच रहा है, तो अब ये वन ख़त्म करना है, इसको क्या करेंगे हम, तो इसके लिए हम प्रोसेस कर लेते हैं आर वन गिव्स आर वन प्लस सिक्सटी फाइव आर थ्री और आर टू गिव्स आर टू माइनस ट्वेंटी वन आर वन कर लेते हैं, तो इधर का हमारा जो है ये जीरो जीरो वन 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 इस तरह से सभी आ गया, बाकी सभी जीरो गए, तो यही हमारा ये इन्वर्स निकल के आ गया वन माइनस टू बाई फाइव माइनस थ्री बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव इक्वल टू हो जाएगा वन बाई ट्वेंटी फाइव, मतलब इसमें सब में पच्चीस पच्चीस नीचे है तो एक बटे पच्चीस हमने कामन ले लिया, तो ये आपका बच गया माइनस ट्वेंटी फाइव, मतलब यहाँ पे टेन हो जाएगा आपका पाँच पच्चीस पच्चीस पाँच दो दस हो जाएगा, फिर तीन बटे पाँच है पच्चीस से गुणा करेंगे पाँच बजे पच्चीस पाँच दिन पंद्रह हो जाएगा पच्चीस पच्चीस कर जाएगा, यहाँ जो है इस तरह से आ जाएगा। सेवनटीन क्वेश्चन कह रहा है कि
टू जीरो माइनस वन फाइव वन जीरो वन इतना दिया है, आइए के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ आर वन आर टू आपस में चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा, फिर आर टू माइनस टू आर वन कर लेंगे तो हमारा आर वन इधर से मिल जाएगा पहली पंक्ति, फिर यहाँ से ये है, अब फिर यहाँ दिया आर टू माइनस टू आर वन कर लेंगे तो ये दूसरी रो हमारी मिल जाएगी, फिर यहाँ से आपका आर टू की आर माइनस आर वन मतलब आर टू जो है आर में माइनस वन से गुणा कर लेते हैं, तो ये हमारा देखिए जो माइनस माइनस था ये आर टू वाला प्लस हो जाएगा दूसरी पंक्ति का, माइनस टू माइनस फाइव था ये प्लस में हो गया। अब आर टू गिव्स आर टू, अब यहाँ पर देखिए आर टू में चेंज कर लीजिए तो ये हमारा इस तरह से मिल जाएगा, फिर आर टू माइनस आर थ्री कर लेंगे तो ये आर टू मिल जाएगा इस तरह से, अब यहाँ से फिर आर वन माइनस आर टू कर लेंगे, आर वन में से पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटा लेते हैं तो ये हमारा वन जीरो जीरो वन टू ओ जीरो वन थ्री ये निकल के आ जाएगा, इधर से ये बच जाएगा आपका। अब ये आपका देख रहे हैं कि ये इनवर्स हो गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 18 दिया है, आप ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, कब होंगे, ए बी इक्वल टू बी होगा, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू जीरो होगा, ए बी इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू वन होगा, ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू वन कौन सा सही होगा, तो इसका दिया है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू वन, केवल इस स्थिति में ही अभी ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, अर्थात विकल्प डी जो है यही हमारा सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर इसका जो डी देख रहे हैं ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई ट्रिक समझ में आ गया है तो एक लाइक मार दीजिए और अपने दोस्तों में फटाफट शेयर करा दीजिए ताकि दूसरे लोग भी जो पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स वो सब इसको देख सके कुछ समझ सके और अपनी परीक्षा की तैयारियां करते रहे, लॉकडाउन चल रहा है इसमें धीरे धीरे सब प्रिपेयर कर लीजिए आप लोग, हमारी मनोकामनाएँ आपके साथ है, भगवान आपको सफल करें और कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगली वीडियो कुछ नया लेकर मिलेंगे, तब तक की तैयारी है और चैनल नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब बेल आइकन भी दबा दीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।